सभी को नमस्कार। कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट के साथ आयोजित प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सेक्टोरल सूचकांक की अहमियत पर आयोजित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। इस वेबिनार में सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के कार्यकारी निदेशक श्री डीएन पाठक, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एग्री कमोडिटी विश्लेषक श्री रितेश कुमार साहू, जीसीएल के श्री अमित खरे और कमोडिटी एक्सचेंज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री रामेश्वर राय चर्चा के लिए उपस्थित है। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री डीएन पाठक जी को आमंत्रित करूंगा कि पूरे भारत में सोयाबीन की फसल की स्थिति कैसी है और क्या प्रोग्रेस अब दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ जगह बारिश भी हो रही है। और मैं आपको एक बता दूं कि अभी से कुछ देर पहले ही सोपा ने सोयाबीन की फसल से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी की है। श्री पाठक जी नमस्कार। कमल जी और आप सभी को भी नमस्कार जो हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट आपने शायद सभी ने देख ली होगी, एक मेजर फाइंडिंग सर्वे की है। एक्चुअली काफी बड़ा सर्वे था ये, जो कि 25 अगस्त से 5 सितंबर तक हमने किया। हमारी 3 टीम जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में घूम के आए हैं। करीब 8,500 किलोमीटर की यात्रा की है, तो थोड़ा थक भी गए थे सर्वे करते करते। तो मेजर फाइंडिंग ये थी कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुत सारा एरिया जो सरकार के उसमें है कि इतना सोइंग हुआ है, उसमें बहुत सारा एरिया में सोइंग कम्प्लीटली वॉश आउट हो गई, बिल्कुल ही मतलब फसल जो है ना होगी या बर्बाद हो गई। और बाकी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। तो करीब 6.5% करीब 5.5% फसल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में 123 लाख हेक्टेयर में से कम करनी पड़ गई हमको। तो हमने वो एरिया 115 कुछ बना है अभी, जो कि हमने आपको बताया है। तो एक तो ये है कि एरिया 115 लाख हेक्टेयर में ही सोयाबीन की फसल हम देख रहे हैं कि हो पा रही है 115.5 लाख हेक्टेयर। दूसरा जो मैंने देखा, जो हमारे सर्वे में हमने पाया, वो ये कि महाराष्ट्र में फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। अब वहां जब किसान से बात करते हैं तो वो 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल तक की बात करता है कि हमारे एक हेक्टेयर में इतनी उपज होगी। और मैंने खुद देखा कि फसल जो है बहुत अच्छी हालत में थी। वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उदगीर, आमनाई, मैंने करीब 15-20 जिलों में खुद गया हूँ, यवतमाल, अकोला, वर्धा, हिंगोली। तो फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ एरिए में फसल थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी नहीं है, पर नॉर्मल है। और कहीं कहीं इक्का दुक्का थोड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है और टोटल डैमेज तो बहुत कम एरिए में है। तो महाराष्ट्र ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में फसल की स्थिति जो अभी खड़ी हुई है वो नॉर्मल है और कई जगह काफ़ी अच्छी फसल है। जो डैमेज होना था वो मैंने आपको बताया हो गया है। कुछ एरिए में थोड़ी बहुत बीमारी वगैरह दिखाई पड़ी और कहीं कहीं फसल कमज़ोर है, लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश में भी फसल काफ़ी अच्छी दिख रही है जो एरिया बची है। राजस्थान में फसल थोड़ी लेट शोइंग हुई है ऑलमोस्ट सभी पूरे राजस्थान में। तो उसमें अभी जो है पॉट फिलिंग का जो स्टेज है, फ्लावरिंग हो रही है, उसमें थोड़ा हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी उससे कम हो पर हेक्टर ही। अभी जो हमने रिपोर्ट जारी की उसमें आपको बताया कि कितने एरिया में फसल पुअर है, कितने में नॉर्मल है और कितने में गुड है और कितने में वेरी गुड है। तो फसल की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी है, इस तरह से रहने वाली है। अभी कोई नंबर मैं दे नहीं पा रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने ये गलती की थी कि वो अगस्त में नंबर दे दिया 120 लाख टन का और सडनली ऐसा तूफान आया कि पूरी फसल मध्य प्रदेश की चौपट हो गई और बाद में हमें उसको बहुत बुरी तरह रिवाइज करना पड़ा। और ये सितंबर का महीना बहुत ही क्रूशियल है सोयाबीन की फसल के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नुकसान है, एकदम सूखा पड़ता है तो नुकसान है, फसल कटाई पे हो और बारिश का तो नुकसान है, और सब कुछ ठीक रहे और बारिश हो जब पॉट फॉर्मेशन, पॉट फिलिंग हो रही है तो बहुत बड़ा फायदा है।
तो सब मिला के ये देखना पड़ेगा कि मानसून अभी कैसे बिहेव करता है अगले 3 हफ्ते में, उस पर बहुत कुछ दारोमदार है कि टोटल फसल कितनी रहेगी। बाकी जो मैंने आपको बताया कि 10 अक्टूबर को हमारी जो सोया कॉन्क्लेव है उसमें हम फाइनल नंबर रखेंगे कि सोयाबीन की फसल कैसी रहेगी। ये तो हो गया फसल के बारे में, और कुछ कंवल जी बताएं, कुछ सवाल होगा। जी पाठक जी, जैसे कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की बात करें तो 52% मतलब नॉर्मल स्थिति है फसल की सर। और अब मैं एक चीज प्रश्न ये था कि जो गुजरात में, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, या मानसून विभाग ने कहा है कि बारिश होगी इन्हीं दिनों में जल्दी, उसका क्या असर होता है? वो किस तरह आप मानते हैं कि कैसा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, सोयाबीन की फसल बहुत ही मतलब कड़ी फसल है, बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, वर्सेटाइल है। इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तभी कुछ नुकसान होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ अभी, यहाँ कोई बारिश इतनी भयंकर नहीं हो रही है। एक दिन बारिश हुई, अगले दिन धूप निकल आई, पानी निकल गया, बह गया, तो ये फायदा पहुंचा के गई। तो ऐसा अभी कहीं दिखता नहीं है कि जो अभी बारिश हो रही है उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान है। महाराष्ट्र में थोड़ी रिपोर्ट है कि एक आध जो जगह पे काफी बारिश हुई, लेकिन वो एकदम हुई, थोड़ी देर के लिए हुई, फिर बंद हो गई। इस तरह की बारिश को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है, अनलेस कोई खेत में बहुत बड़ा पानी भर जाए, किसी में लो लाइंग एरिया हो तो वहां छोटा बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी मुझे ये जो आजकल में बारिश हो रही है उससे कोई नुकसान नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। जी पाठक जी, हम आपसे अभी और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एनसीडीएक्स के श्री रामेश्वर राय जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सेक्टोरल सूचकांक की अहमियत पर अपनी बात रखें, क्योंकि एक्सचेंज ने अभी अभी कारोबार के लिए सोया डेक्स को लॉन्च किया है, उस पर वे जानकारी देवें। श्री रामेश्वर राय जी। जी कमल जी, धन्यवाद। बाकी सभी सज्जनों को भी इस वेबिनार, कमल जी मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? जी, जी कहिए सर। सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। और मैं अगर अपनी बात करूं, सेक्टोरियल इंडाइसेस या सेक्टोरियल इंडाइसेस जो एनसीडीएक्स एक्सचेंज के अंदर में आए हैं, तो पहले देखिए कि हमारे यहाँ पर अगर एज ए कंट्री की हम लोग बात करें, तो रेगुलेटर की तरफ से सेक्टोरियल इंडाइसेस के अंदर में ट्रेडिंग अलाउ नहीं थी। फिर रेगुलेटर ने हमारे यहाँ पर सेक्टोरियल इंडाइसेस के अंदर में ट्रेडिंग अलाउ किया। और बेसिकली सेक्टोरियल इंडाइसेस क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर को मिलाकर उसके अंडरलाइंस के थ्रू एक इंडाइसेस क्रिएट करना। जैसे कि ज्यादातर लोग जान रहे होंगे, अगर निफ्टी या इक्विटीज की हम लोग जब बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर में सॉरी इक्विटी इक्विटी एक्सचेंज के अंदर में हम देखते हैं कि जैसे फार्मा सेक्टर का सेक्टोरियल इंडाइसेस हो गया, फिर एफएमसीजी का इंडाइसेस हो गया, आईटी कंपनीज का हो गया। तो उसी तरीके से एनसीडीएक्स एक्सचेंज के अंदर में हम लोग ने एग्री कमोडिटीज के अंदर में सेक्टोरियल इंडाइसेस की पहल की, पहल जिसमें कि पहला सेक्टोरियल इंडाइसेस हमने एग्री डेक्स के नाम से 2020 के अंदर मई मंथ में लॉन्च किया था। और अगर आप उस सेक्टोरियल इंडाइसेस के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो उसने बहुत ही बढ़िया एक अपना परफॉर्मेंस दिया है, जहां पर कि वो इंडाइसेस 1000 के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था और अभी उसका जो वर्तमान वैल्यूएशन आ रहा है या जो ट्रेडिंग हो रही है वो करीब करीब 1700 के लेवल पे हो रही है, 1700 पॉइंट्स के लेवल पे हो रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये लगभग 15 महीने के अंदर में उस इंडेक्स ने 70% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में अगली पहल पे हम इस साल दो नए और सेक्टोरियल इंडाइसेस को लॉन्च किए, जिसमें कि मिड ऑफ अगस्त के अंदर में हम लोग ने ग्वारेक्स इंडाइसेस लॉन्च किया, जिसके अंदर ग्वार सीड और ग्वार गम ये दो प्रोडक्ट को मिला के हमने उस सेक्टोरियल इंडाइसेस को बनाया। और फिर हमने अभी लेटेस्टली सोया डेक्स को 31 अगस्त को सोया डेक्स सेक्टोरियल इंडाइसेस को लॉन्च किया, जिसके अंदर सोयाबीन और सोया तेल अंडरलाइन एसेट्स हैं, और जहाँ पर कि सोयाबीन जो है वो 70% वेटेज रख रहा है। और अगर उसको वेटेज टर्म्स में बोले तो वो परसेंटेज टर्म्स 68-32 आ रहा है, लेकिन हमने उसको इस बार क्वांटिटी मल्टीप्लायर में चेंज कर दिया, जहाँ पर कि एक सोयाडेक्स के अंदर में 7 मेट्रिक टन सोयाबीन है और 1 मेट्रिक टन सोया
तो या ऑयल है। अगर इस इन सेक्टोरियल इंडाइसेस की जरूरत की बात करें हम, तो किसी भी एक प्रभावी निवेश के लिए सेक्टोरियल इंडाइसेस का स्पेशली एग्री कमोडिटीज का एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। अगर हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनके निवेश के जो उनकी सलाह रहती है, या फिर वो लोग जो एक अपना ऑप्टिमल पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, उसके अंदर में एग्री कमोडिटीज का भी योगदान रहता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पर अभी एग्री कमोडिटीज एज ए इन्वेस्टमेंट टूल या एसेट टूल उतने अच्छे तरीके से अभी तक नहीं देखा गया था, पर डेफिनेटली जब ये और सेक्टोरियल इंडाइसेस लॉन्च होने के बाद में उसको उस नज़रिए से भी देखा जाएगा, और जो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जिन लोगों से डिस्कशंस हो रहे हैं वो लोग भी इसको एक अच्छे प्रभावी टूल की तरह देख रहे हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि जो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो फंड हाउसेस हैं, वो एग्री कमोडिटीज को भी अपने पूरा की पूरा जो उनका एक प्रभावी निवेश का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर में वेटेज दे सकते हैं। और एग्री कमोडिटीज के अंदर में देखिए, जब वो लोग अपना एग्री कमोडिटीज को वेटेज देंगे या उसमें निवेश करने की सलाह देंगे, तो उसके दो फायदे सामने आते हैं। एक तो एग्री कमोडिटीज का जो परफॉर्मेंस है वो और दूसरे एसेट्स क्लास के साथ में कोरिलेटेड नहीं है, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन को एक अच्छा बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा फायदा मिलता है। और साथ में ही किसी का भी जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई होना एक अच्छा इंडिकेशन होता है, ताकि जिससे सिस्टमेटिक रिस्क भी कम हो जाती है। अगर हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो जैसे पुरानी कहावत है हमारी कि सारे अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, अदरवाइज कभी बास्केट गिर गई तो सारे अंडे एक साथ टूट सकते हैं। तो वैसे ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट है वो एक ही तरह की कंपनी में या एक ही सेक्टर में अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो सिस्टमेटिक रिस्क करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। और डेफिनेटली एग्री कमोडिटीज को उसमें एक अच्छे विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है, और हमारी सलाह भी ये रहेगी कि ये सेक्टोरियल इंडाइसेस लॉन्च होने के साथ में इस ओर पे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो अपना ध्यान दे दें, और यहाँ जो सेक्टोरियल इंडाइसेस एग्री की सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं उनके थ्रू उनको एक प्रभावी पोर्टफोलियो बनाने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। कमल जी धन्यवाद रामेश्वर जी, हम आगे भी इस पे प्रश्न जारी रखेंगे। मैं एक सूचना दे दूं कि पाठक जी आज जो है सोयाबीन फसल का सर्वे आने की वजह से बिजी हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं 6 बजे के बाद शायद मीटिंग से उन्हें कहीं जाना है, कोई जरूरी मीटिंग है ऑफिस की। तो पहले अब मैं पाठक जी से बात कर लूँ, उसके बाद हम रितेश कुमार साहू जी और अमित खरे जी से भी चर्चा करेंगे। पाठक जी, सरकार ने तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑयल मिशन लॉन्च किया है जिसमें पाम की खेती पर फोकस है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों जैसी देसी तिलहनों की खेती बढ़ाने के लिए भी कोई कदम उठने चाहिए? बिल्कुल उठने चाहिए, और सरकार का ये मिशन जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है ये मिशन का एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा अभी लॉन्च होने वाला है, कैबिनेट के पास उसकी जो मिशन है वो ऑलरेडी गया हुआ है। उसमें जो बाकी बड़े ऑयल सीड्स हैं उसमें सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर शामिल हैं, उनके लिए भी एक बड़ा बजट है अभी आने वाला है। पाम ऑयल की क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, एक हेक्टेयर में 4 टन करीब होता है, तो पाम ऑयल पर थोड़ी जोर है, और बहुत सालों से हम लोग पाम ऑयल की बात कर रहे हैं लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। इसलिए सरकार ने सोचा कि जब तक उसको कॉरपोरेट को उसमें नहीं लेके आएंगे, उसमें बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक वो हो नहीं पाएगा। तो वो मिशन पहले लॉन्च कर दिया है, तो दूसरा मिशन आने वाला है, और सरकार की जो नीयत है बिल्कुल साफ है, हमको ऑयल में जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बनना ही है। जी पाठक जी, देखिए अभी सरकार ने जीएम सोया मिल्स के इंपोर्ट की अनुमति दी है, तो क्या आप अपन मानते हैं कि जीएम सोयाबीन की खेती को अब मान्यता देने का वक्त आ गया है, जबकि हमारी घरेलू खपत तेजी से बढ़ती जा रही है? ये एक बड़ा अहम पॉलिसी का मुद्दा है
कि जीएम ये सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बाकी फसलों में भी जीएम का मुद्दा अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मस्टर्ड जो कि पहले टेस्टिंग के लिए दिया बाद में हो नहीं पाया, और जीएम के क्या इम्पैक्ट है क्या असेसमेंट है वो अपने यहाँ अभी हुआ नहीं है। थोड़ा एक लर्किंग डाउट ये भी है कि क्या जीएम से असल में फसल बढ़ती है, उपज बढ़ती है, ये एक बड़ा सवाल है जिसपे हमको एक बृहद चर्चा करनी चाहिए। और अगर जीएम से हिंदुस्तान में सोयाबीन या मस्टर्ड या किसी की फसल बढ़ती है तो हमें उसको जरूर लेकर आना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि पहले हम जान लें जैसे अभी जो हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन है वो हमारे यहाँ कितना प्रभावी रहेगा, ये बड़ा जानना जरूरी है। अमेरिका में और ब्राजील अर्जेंटीना में वहां पे फार्म साइज 2-2 हजार हेक्टेयर का होता है, हमारे यहाँ फार्म साइज 1 हेक्टेयर का है नॉर्मल, तो हमारे यहाँ कितना प्रभावी है जानना जरूरी है। हाँ, अगर कोई ऐसा जीएम आता है जो जिसमें रोग नहीं लगता हो या जो बिना बारिश के भी पैदा हो सकता हो या भयंकर बारिश हो तब भी खराब नहीं हो तो डेफिनेटली हमको उसको अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो तेल आ रहा है सर वो तो हम जीएम तेल ही खा रहे हैं, सोया ऑयल जो आता है भारत में वो तो हम जीएम तेल ही खा रहे हैं पहले से। नहीं, अभी आपने सवाल पूछा था कि जीएम से हमारी उपज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मैं उस पर जवाब दे रहा था। जहां तक जीएम के सेफ्टी एस्पेक्ट का सवाल है उस पर मैं कोई अभी कमेंट नहीं कर सकता। हम जीएम तेल खा रहे हैं 20 साल से खा रहे हैं, अमेरिका भी खा रहा है, ब्राजील भी खा रहा है, सारा दुनिया खा रही है, और कोई उसका उसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है उसके उसकी रिपोर्ट इधर उधर आती रहती हैं और हम सब लोग खा भी रहे हैं, तो वो अपने लिए सूटेबल है, अभी दिख रहा है कि सूटेबल है, उस पर कोई अभी मेरे ख्याल कमेंट करना सही नहीं है। हमारे एक पूरी प्रोसेस है कि अगर कोई भी चीज़ अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो उस पर एक इम्पैक्ट असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, जो कि जरूर है कि करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए उसको। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो जीएम में क्या बुराई है, कोई जीएम कोई ऐसा कोई बड़ा शब्द बुरा शब्द नहीं है। जी अच्छा सर, अब एक बात बताइए कि जब हम जीएम सोया मिल इंपोर्ट करने जा रहे हैं और अभी सरकार ने परमिशन भी दे दी है, तो भारतीय सोया मिल के एक्सपोर्ट की किस तरह की संभावना आपको दिखाई देती है, क्या हो सकता है वहां उस मोर्चे पर? ये बड़ा देखिए, हमने जीएम सोयाबीन मिल की इंपोर्ट की परमिशन दी है 12 लाख टन की 31 अक्टूबर तक। ये थोड़ा सा 31 अक्टूबर तक का जो डेट है वो मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि फसल अभी आनी शुरू हो जाएगी अक्टूबर सितंबर एंड में, और अक्टूबर में तो भरपूर नॉन जीएम सोयाबीन मिल यहाँ पे पोल्ट्री वालों को मिलेगा, तो उस वक्त जीएम सोयाबीन मिल सस्ते में क्यों आयात किया जाए ये मेरी समझ से परे है। हमने सरकार को बोला है इसको 15 अक्टूबर तक निश्चित करिए और जो एक्चुअल यूजर है कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चरर है उसी को अलाउ करिए। हमारा अपना सोयाबीन मील का एक्सपोर्ट हो पाएगा कि नहीं उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर जीएम सोयाबीन मील हमारे यहाँ आ रहा है तो उसकी जो हमारी एक सेंट्री थी कि हमारा तो जीएम नॉन जीएम ही होता है उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर हर एक कंसाइनमेंट हमको यहाँ से टेस्ट करवा के ही भेजना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा नॉन जीएम सोयाबीन मील किस भाव बिकेगा, अभी तो भाव का कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे पिछले साल हम कर पाए 20 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया, इस साल भी ऐसी फेवरेबल स्थिति बन सकती है। और दुनिया में एक बड़ी मार्केट है जिनको सिर्फ नॉन जीएम ही चाहिए, पार्टिकुलरली फॉर फूड पर्पसेस, तो एक मार्केट दुनिया में है और हम बनाते हैं कितना, हमारे यहाँ सोयाबीन मिल होता है कितना, हम तो 10-15-20 लाख टन एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ा है, तो मार्केट हमारी है, प्राइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो हमारी यूएसपी है ये थोड़ी सी खतरे में पड़ गई है कि मिक्सिंग नहीं हो जाएगी, देखते हैं अब कैसे कैसे उसको संभालते हैं लोग। जी सर, आज जो आपने रिपोर्ट जारी करी है और उसमें आपने सोपा के भी डेटा लिखे हैं और भारत सरकार के भी डेटा लिखे हैं बुआई को लेकर के, दोनों डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल की तुलना में बुआई बढ़ी है, तो जो बुआई बढ़ी है उसके कारण आप क्या मानते हैं कि इस बार किसान सोयाबीन की ओर अधिक अट्रैक्ट हुआ? इसका एक सिंपल कारण और एक ही कारण है, जब किसान को दिख रहा है कि किसान को 4,500 5,000 5,500 6 तक मिला, बाद में मार्केट प्राइस में आग लग गई 9,000 10,000 तक मिला, तो किसान को लग रहा है कि उसको एक अच्छा भाव मिलेगा इसलिए, और कोई ऑल्टरनेटिव दूसरी फसल जैसे मालवा में ऑल्टरनेटिव बहुत कम है, तो उनको लगता है कि जब अच्छा फसल मिल रहा, अच्छा पैसा मिल रहा है तो, और जैसे महाराष्ट्र में इतना एरिया बढ़ा है 15-20% बढ़ गया है कॉटन से, क्योंकि कॉटन में मेहनत बहुत लगती है, सोयाबीन में मेहनत कम है, तो ये सब फैक्टर देखते हुए किसान को तो ये चाहिए कि उसको मिलता क्या है खेती करने से, अगर उसको सोयाबीन से अच्छा भाव मिल रहा है तो वो सोयाबीन उगाएगा, इसलिए एरिया बढ़ा है भाव की वजह से। अच्छा सर, आपसे अब एक अंतिम सवाल है कि जैसे इन दिनों वापस एक चर्चा चल रही है कि
इंपोर्ट ऑयल पर ड्यूटी कम कर दी जाए, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा कि ड्यूटी कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और भारतीय किसानों के हित में क्या है? देखिए, ड्यूटी कम करने की बात बहुत बार चलती है। हमने पास में देखा है कि जब हम ड्यूटी कम करते हैं वो प्राइस बढ़ाते हैं। मुझे तो लगता है ये बड़ा 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 फुलिश मूव है इस वक्त, पार्टिकुलरली जब हमारी सोयाबीन की क्रॉप आ रही है। इस वक्त किसानों को ऐसा संदेशा देना कि हमें आपकी परवाह नहीं है क्योंकि कंज्यूमर की प्राइस बढ़ रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी अभी इस वक्त क्या औचित्य है। मेरे हिसाब से तो ड्यूटी बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए ड्यूटी, बल्कि जो अभी 7.5% घटाई थी 7-30 सितंबर तक, उसको डेफिनेटली 1 अक्टूबर को वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। फर्दर घटाने की तो कोई मतलब ही नहीं है। जी जी धन्यवाद पाठक जी, आपने आज मीटिंग के बीच समय निकाला और सोयाबीन फसल की स्थिति के बारे में और कई जो चीजें हमारे मन में उत्सुकता थी उन पे आपने जवाब दिए और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जाने की इजाजत देते हैं जी? हाँ सर, आपकी मीटिंग है, आपको निश्चित रूप से आप जी अपनी मीटिंग जारी रख सकते हैं सर ऑफिस की। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब मैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के एग्री कमोडिटी विश्लेषक श्री रितेश कुमार साहू जी से आग्रह करूंगा कि वे सेक्टोरल इंडेक्स में ट्रेडिंग के महत्व पर अपनी बात रखें। इस तरह के इंडेक्स जैसे NCDX में एग्रीडेक्स आया, गमारेक्स आया, अब सोया डेक्स है, ये कैसे अपनी अहमियत रखते हैं बाजार के लिए? श्री रितेश कुमार साहू जी, धन्यवाद, सभी लोगों को मेरा स्वागत और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वेबिनार। एक्चुअली जैसे कि रामेश्वर जी ने बताया कि हम लोगों के पास अभी हाल ही में 3 सेक्टोरल इंडाइसेस मौजूद हैं ट्रेड करने के लिए। तो उसमें से पहला तो ब्रॉड बेस्ड इंडाइस है जो एग्रीडेक्स के नाम से अराउंड 15 मंथ से चल रहा है। सेकेंड ग्वारेक्स है और सोयाडेक्स जो हाल ही 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो ये इनका बहुत ही अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि इक्विटीज में भी हम लोगों ने इंडेक्सेस काफ़ी अच्छा ट्रेड करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी ऑटो इंडेक्स हो गया, निफ्टी SMGC हो गया, निफ्टी IT। तो ये सब जो इंडेक्सेस है वो एक बेंचमार्क की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि ये कैसा चल रहा है। मतलब एक अगर इंडाइसिस हम लोग एक फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक जनरल ट्रेंड पता चलता है सेक्टर का और ब्रॉडली और रिप्रेजेंट करता है कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा सेंटीमेंट्स है उस अंडरलाइन कमोडिटीज की। तो ये दो चीज़ें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिकेटर और बेंचमार्क, ये दो चीज़ें ये जो इंडाइसिस लॉन्च की गई है वो प्रस्तुत करता है। और जो सबसे अच्छी बात है इसमें है कि इसमें वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह से भी हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं या Category 3 AIFs है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, या रिटेल HNI और ट्रेडर्स हैं, इन लोगों के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों के लिए इंडाइसिस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडाइसिस अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इंडाइसिस जो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट कैसा है, उसका करेक्टरिस्टिक कैसा है। तो फर्स्ट पहला करेक्टरिस्टिक यह है कि वो वैल्यू डिराइव्ड रियल टाइम से हम लोग जो अंडरलाइंग एसेट्स ट्रेड हो रहा है फ्यूचर्स मार्केट में NCDX में, वो रियल टाइम हम लोग इंडाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला तो करेक्टरिस्टिक ये है। तो सेकंड करेक्टरिस्टिक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैश सेटल्ड हैं तो कोई वरी नहीं है, मतलब जो स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड जब भी आता है उसका कोई वरी नहीं है और ये काफ़ी आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। देन इसके जो इंडाइसेस है उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जो कि एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक जो उसका करेक्टर बहुत ही इजी है ट्रेड करने के लिए क्योंकि ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ट्रेडेड है और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वेल रेगुलेटेड है, सिंपल अप्रोच है और इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसके थ्रू इसका ट्रेडिंग किया जा सकता है।
और अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक लीवरेज प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके भी हम लोग उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका वाइडर पार्टिसिपेशन की आशा करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा इक्विटी मार्केट बहुत ही अच्छा कर रहा है, और साथ साथ अभी कमोडिटी मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा उछाल दिया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कमोडिटी लगभग उनके 52 वीक्स हाई पे है, या फिर 6 ईयर्स हाई पे है, या कोई और जो ऑयल सीड्स हैं वो तो अभी लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके वजह से भी हम लोग इंडाइसिस को अगर ट्रैक करें तो वो एक बेंचमार्क की तरह या इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं। देन इन्वेस्टर को अगर एक्सपोजर चाहिए एग्री कमोडिटीज में तो इंडाइसिस काफ़ी ही बेहतर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो इंडाइसिस है उसका जो मूवमेंट रहता है वो स्मूथ रहता है, क्योंकि उसमें दो तीन कमोडिटीज का मिक्सरन रहता है और वो कॉम्बिनेशन से उसका जो इंडेक्स का जो फिगर आता है वो बनता है। तो ड्रास्टिक मूवमेंट बहुत कम है, बहुत ही स्मूथली ट्रेड होता है, और उसको टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ भी हम लोग काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और जिस जो प्राइस मूवमेंट है वो डायरेक्शनल रहता है। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ है वो सीजनल है, तो उसको ट्रैक करने के लिए भी काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि सीजन के टाइम पे या हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ के प्राइजेस नीचे गिर जाते हैं, और बाद में उसके उसका जो फंडामेंटल्स के हिसाब से चलते हैं, जो कि हम लोग उसको सीजनलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। जी और मेरी तरफ से इतना ही, थैंक्स जी। धन्यवाद रितेश जी, अभी हम चर्चा जारी रखेंगे आपसे भी, लेकिन अब मैं अमित खरे जी से कहूंगा कि सेक्टोरल इंडेक्स जो है, जैसे पहले एग्रीडेक्स आया, फिर गवारेक्स आया, अब सोयाडेक्स आएगा, हो सकता है एक्सचेंज आने वाले समय में इस तरह के और इंडेक्स लॉन्च करे या आए, तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय कमोडिटी बाजार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सेक्टोरल इंडेक्स वाकई बहुत सक्षम होंगे? क्या राय रहेगी अमित जी आपकी? जी जी कमल जी, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सेक्टोरियल इंडेक्स इंडेक्स बेसिकली होते क्या है। इंडेक्स जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को मिला के उसका एक एवरेज वेटेज। लगभग लगभग बैंकिंग के जो भी अच्छे बड़े बड़े शेयर हैं उनको मिला के उनका एक इंडेक्स बनाया है। सेम निफ्टी में भी 50 स्टॉक्स को मिला के उसका एक इंडेक्स बनाया है। अपने यहाँ पे एग्रीडेक्स में कमोडिटी मार्केट में जो एग्रीडेक्स है उसमें 10 कमोडिटीज को मिला के, एनसीडेक्स की जो 10 कमोडिटी है उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया है। ग्वार डेक्स में भी ग्वार सीड और ग्वारगम को मिला के दोनों को एक कॉम्बिनेशन बना के जो बनाया है वो ग्वारडेक्स हो गया। सेम अब जैसे सोयाडेक्स जो आया है अभी लॉन्च हुआ है तो उसमें भी सोया रिफाइंड और सोयाबीन ये दोनों को मिला के एक इंडेक्स बनाया है। तो इंडेक्स में जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो कमोडिटी से काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि इसमें डिलीवरी का कोई भी झंझट नहीं है। जैसे एनसीडीएक्स की मोस्टली सभी ट्रेड करने से जो है डिलीवरी का कोई भी कैलकुलेशन या फिर हिसाब किताब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका एक जो बेनिफिट मेरे को लगता है कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स है इंडेक्स के आने के बाद वो कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स में बढ़ेगा, क्योंकि अगर इक्विटीज की बात करें तो इक्विटीज का जो टोटल वॉल्यूम्स होता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी 30-40% के आसपास होता है। तो मेरे को लगता है कि कमोडिटी में इंडेक्स आने के बाद इसमें पार्टिसिपेंट भी बढ़ जाएंगे, इसमें म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेंट भी बढ़ेगा, हो सकता है एफआईआई भी इसमें इंटरेस्टेड लें, और पीएमएस के जो अकाउंट होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इंडेक्स आने के बाद वॉल्यूम्स बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि इंडेक्स आने के बाद जो है कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम्स आगे देखने को मिलेगा। जी कमल जी धन्यवाद। अमित जी, रामेश्वर राय जी आपसे सवाल है कि जो इंडेक्स है उनसे अगर कोई एफपीओ जुड़ना चाहे
उनमें एफपीओ कोई कार्य करना चाहे, कारोबार करना चाहे, तो उसे कोई एक्सचेंज अलग से बेनिफिट देता है या वही लाभ है जो सभी के साथ है, किस तरह से रहता है उनके लिए? ठीक कमल जी, आप देखिए बेसिकली एफपीओ एक बोल सकते हैं कि एक नया व्हीकल है जो कि जिसको कि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा प्रभावी तरीके से देखा जा रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज का भी एफपीओ के साथ में कोलैबोरेशन का, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आने का एक बड़ा मैंडेट चल रहा है। साथ में जो हमारे रेगुलेटर हैं वो भी एफपीओ की ओर बड़ी काफ़ी ऐसा तरीके से देख रहा है रेगुलेटर कि जिससे कि एफपीओस को वायदा बाजार में आके उनका डिलीवरी बेस काम करने के लिए सुविधा हो, जो भी उनको फैसिलिटीज मिल सकें, रिलैक्सेशन मिल सकें, वो सारी चीज़ हमने हमारे रेगुलेटर की तरफ से आते हुए देखा हमने पहले में। और अभी लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो एफपीओस को एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ अलग से उनको रिलैक्सेशन जो बाकी सब मिल रहे थे उसके साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन अगर स्पेसिफिकली सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करेंगे कमल जी, तो सेक्टोरियल इंडाइसेस में जो बेनिफिट इंडाइसेस ट्रेडिंग के हैं वो बेनिफिट तो एफपीओ के साथ में है ही है, अलग से कोई दूसरे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ बात बताना चाहूँगा कि अगर वायदा इंस्ट्रूमेंट्स को कोई एफपीओ उस नज़र से देख रहा है कि उसको अपना कोई हेजिंग के तरीके से उसको यूज़ करना है, और एग्जांपल ले लेते हैं कोई एफपीओ ऐसी लोकेशन में बैठा हुआ है जहां पर कि उनको सोयाबीन के अंदर में अपना एक हेजिंग लेना है, जहां पर उसका तरीका यही हो सकता है कि जैसे अगस्त महीने में या जुलाई महीने में वो सीधे अक्टूबर का या नवंबर महीने का सोयाबीन बेचना चाहें एक्सपेक्टेड प्राइसेस को देखते हुए, वो सोयाबीन कमोडिटी के अंदर में अगर अपना एक्सपोजर लेते हैं सर में जो मार्जिन लग रही है वो मार्जिन काफ़ी हायर साइड पे है। अगर वही ट्रेड को वो सेक्टोरियल इंडाइसेस के थ्रू करते हैं तो लगभग इसके अंदर में अभी सोयाबीन का अगर पोजीशन को हम लोग सेक्टोरियल इंडाइसेस मतलब सोयाडेक्स के थ्रू लेते हैं तो उसमें 30-40% तक का मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि सेक्टोरियल इंडाइसेस में मतलब सोयाडेक्स के अंदर में 11% का मार्जिन है, सोयाबीन में हमने एक पॉइंट पे 50% तक मार्जिन आते हुए देखा, अभी भी 37% मार्जिन है। तो मार्जिन बेनिफिट लेने के हिसाब से वो लोग सोयाडेक्स टूल के तौर पे भी वो अपने जो भी उनके ट्रेडिंग कॉल्स हैं, ट्रेडिंग डिसीजन हैं, वो ले सकते हैं। अलग से एज सच एक्सचेंज के द्वारा अलग से कुछ ऐसे एफपीओ कैटेगरी के लिए कोई बेनिफिट अलग से नहीं दिया जा रहा। जी धन्यवाद रामेश्वर जी। रितेश जी आपसे सवाल है कि जैसे अभी पहले एग्रीडेक्स आया, फिर गवारेक्स आया, अब सोयाडेक्स आया, अगर हम देखें तो जैसे कैस्टर ऑयल को साथ में जोड़ दिया जाए तो कैस्टर के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो इंडेक्स हो सकता है, या हम कॉटन की बात करें क्योंकि एनसीडीएक्स में कपास भी है और कॉटन सीड ऑयल केक भी है, तो इस तरह के जो उनके सारे प्रोडक्ट हैं उनको लेकर के कि कॉटन का भी इंडेक्स हो सकता है, इस तरह के इंडेक्स क्या लॉन्च होने चाहिए? जैसे हम शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, दूसरे प्रोडक्ट भी डेरिवेटिव्स में काफी चीजें हैं उनके पास, तो इस तरह के अगर प्रोडक्ट आते हैं भारतीय बाजार में ऐसे अलग अलग कमोडिटी को लेकर के तो वो हमारी ग्रोथ को कितने कैसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? सर आपने ठीक कहा कि इंडेक्सेस काफी ही जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम लोग देखते हैं कि जो तीन इंडेक्सेस स्टार्ट किए हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट काफी अच्छा दिया है, जिस हिसाब से फ्यूचर्स में ट्रेड जो हो रहा है सोयाबीन या फिर ग्वार या फिर हर जो 10 लिक्विड कमोडिटीज हैं उसके हिसाब से जो हम लोगों को इंडिकेटर मिल रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो हम लोग इंडाइसेस में काफी अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से अगर अभी अगर कॉटन में भी आ जाए या फिर इसमें कैस्टर में भी आ जाए, आपने जैसे कहा कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड का जैसे कॉम्बिनेशन के हिसाब से,
तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये चीजें हमारे पास रहेगी, ये डेटा हमारे पास रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में ये काफी हेल्प कर सकती है सीजनलिटी के हिसाब से, जैसे प्राइजेस मूवमेंट करते हैं और जिस हिसाब से जो फंडामेंटल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो वो सब भी चीजें इन इंडाइसेस में कैप्चर्ड हो जाती हैं, और वो कैप्चर जो होती है वो बैकडेट में जाके हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो और सबसे अच्छी बात है कि ये इस पे इंडाइसेस भी है और ये एक डेरिवेटिव के हिसाब से हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स का उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो जैसे जैसे इंडेक्स का तो फिगर रोज ही आएगा, उसका रोज ही पब्लिश होगा, रोज ही उसका होगा, और उसी के हिसाब से जो इन्वेस्टर है या फिर फंड मैनेजर्स है, म्यूचुअल फंड है, तो वो उस चीज को एक बेंचमार्क मान के वो ट्रेड कर सकते हैं जो कि कैश सेटल्ड है। तो वो एक काफी ही अच्छा है जो कैश सेटल्ड के हिसाब से हम लोग इंडेक्सेस को देख रहे हैं, और ये सब कुछ सेम रहेगा। जैसे इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी रहता है, इसके ऊपर डायरेक्शनल सीजनल पैटर्न भी रहेगा। तो और ये हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो इंडिकेटर के हिसाब से भी ट्रेड कर, एक एज एन इंडिकेटर, अगर फंडामेंटल्स भी पता नहीं है तो हम लोग इसको इंडिकेटर लगाकर या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी डेटा आना स्टार्ट हुआ है, इंडाइसिस जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट एक महीना हुआ है सेक्टर इंडाइसिस को स्टार्ट हुए हुए। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये डेटा आता जाएगा, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ता जाएगा, तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी, और एज एन सेक्टोरल इंडिकेटर या बेंचमार्क जो भी कहते हैं, ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये सारे सेक्टर को, और एज ए इन्वेस्टमेंट भी हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अभी थोड़ा अर्ली स्टेज पे है, और पार्टिसिपेशन भी बढ़ाने के लिए काफ़ी जो लगा रही है NCDX और सभी ब्रोकिंग हाउसेस, और पार्टिसिपेशन के लिए जो भी किया जा रहा है वो अभी पर्याप्त है, और बहुत ही एजुकेशन की जरूरत है कि ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और इसमें भी हम लोग पैसा कमाया जा सकता है, और थोड़ा सा इसको स्टडी करना है। और थैंक यू जी, धन्यवाद रितेश जी। किसी के भी मन में कोई सवाल हो तो हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अपना फीडबैक जरूर हमें दें, क्योंकि ये वेबिनार कैसी लगी या जो भी इसके बारे में फीडबैक है, आपके सुझाव हो सकते हैं, शिकायत हो सकती है, वे जरूर हमें बताएं, क्योंकि आपके सभी के जो सुझाव हैं, आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए अमूल्य है। अब मैं अमित जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए एग्रीडेक्स आया, लगभग 1000 पॉइंट पे लॉन्च हुआ था, और हमने देखा कि करीबन 60% तक का रिटर्न अभी है। गवारेक्स रिसेंटली NCDX ने लॉन्च किया और एक बहुत बेहतर बढ़त के साथ आगे चल रहा है इंडेक्स। अब सोयाडेक्स है, और अगर हम देखें तो उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे रितेश जी ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, डेटा आ रहे हैं, लोग उस प्रोडक्ट को समझ पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, पर एक बास्केट बना देता है। जैसे कि मान लीजिए कि गंवार चल रहा है और गंवार गम नहीं चल रहा है, तो आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं तो आप तेजी से दोनों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में होते हैं, जैसे कि हम निफ्टी देखते हैं, अगर मैंने एक पर्टिकुलर शेयर लिया और वो सेक्टर नहीं चल रहा है, तो पता लगा निफ्टी भाग रहा है लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं। लेकिन मैं पूरी बास्केट यानी निफ्टी लेता हूं। सेम ऐसे ही अगर हम कमोडिटी में देख लें, और एग्रीडेक्स जिसने लिया उसको आज निश्चित रूप से कि मुझे 60-70% का रिटर्न मिल रहा है, कोई मुझे टेंशन नहीं है, सुख से है। सेम ऐसे हमने देखे तो गवारेक्स एक बहुत अभी कम ही समय हुआ उसको लॉन्च हुई, लेकिन जिस रफ्तार से आगे बढ़ा इंडेक्स, तो ऐसे में क्या अमित जी आपको लगता है कि आने वाला समय पर्टिकुलर कमोडिटी के बजाय इंडेक्स का हो जाएगा? जी कमल जी, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आपने बताया कि एग्रीडेक्स जो है लगभग 60-70% रिटर्न अभी तक दे चुका है अपने लॉन्च के बाद, और सेम जैसे अभी मैं ये गवारेक्स का भी कैलकुलेट कर रहा था, तो गवारेक्स जो है 16 अगस्त को लॉन्च हुआ था 6050 के आसपास,
और आज इसने जो है 7893 के आसपास की क्लोजिंग दी। तो यदि अगस्त से लेके अभी 16 अगस्त और अभी क्या चल रहा है सेप्टेम्बर, एक महीना भी नहीं इसको हुआ और 30% के आसपास की तेजी इसमें दर्ज की गई। तो सेम मेरे को भी लगता है कि जैसे जैसे एक्चुअल में क्या कमोडिटी का जो मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से काफी छोटा है। वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो फॉरेन के मार्केट अपने यहाँ के मार्केट से बहुत ज्यादा बड़े हैं। वहां पे जो है इंडाइसेस जो है ऑलरेडी पहले काफी सालों से चल रहे हैं, अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे नए हैं, तो इनको डेवलप होने में भी काफी टाइम लगेगा। जैसे जैसे अगर अपने मार्केट ये इंडियन कमोडिटी मार्केट का जो वैल्यू या फिर जो वॉल्यूम है वो बढ़ाना है तो नए नए प्रोडक्ट को तो लाना ही पड़ेगा। और इंडेक्स एक ऐसी चीज है जिसमें मोस्टली जो है ज्यादातर सभी लोग काम करते हैं और इसमें काम करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा। और इंडेक्स में जो है अपन एज अ स्प्रेड या फिर हेजिंग या फिर आर्बिट्राज भी इसमें अपना सकते हैं। सपोज किसी के पास सोयाबीन के बाय की पोजिशन पड़ी है लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं ना मार्केट अगर डाउन ना हो जाए तो वो चाहे तो सोयाडेक्स में सेल की पोजीशन बना सकता है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकता है कि अगर सोयाबीन उसकी सेल पड़ी है तो और उसको सोयाडेक्स में बाय की पोजीशन से बना के वो अपनी पोजीशन को हेज भी कर सकता है। तो रिस्क को मिनिमम करने के लिए और बाकी काफी चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है कि इंडेक्स का फ्यूचर जो है आगे आने वाला भविष्य जो है बहुत ही अच्छा होगा। अब जैसे अपन एक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं, पिछले साल जो है निफ्टी जो है स्पॉट 7500 के आसपास का लो बनाया और आज देखिए लगभग 17000 के आसपास है, डबल से भी ज्यादा। तो इंडेक्स में जो है सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है जिनसे वो मिला के बनाया गया है, तो इसके जो बेनिफिट वो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्स आने से कमोडिटी के वॉल्यूम्स में आगे बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा और ट्रेडर्स इसमें पार्टिसिपेंट ज्यादा बढ़ेंगे और इसका जो फ्यूचर है बहुत ही बढ़िया होगा। जी कमल जी, अमित जी, जैसे हम देखे कि सरकार आने वाले समय में जैसे प्लानिंग रखती है बैंक FII म्यूचुअल फंड्स इनको कमोडिटी बाजार में उतारने के लिए, तो मुझे लगता है कि उस समय एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बजाय इंडेक्स पर पूरा बाजार का बेस होता जाएगा कि इंडेक्स अलग अलग जो है कमोडिटी के कॉम्प्लेक्स वाइज, यानी उनमें एक मुझे लगता है हलचल अच्छी दिखाई देनी चाहिए। जी बिल्कुल कमल जी, इंडेक्स जो है जैसे देखा जाए हम अगर इक्विटी की बात करें तो देखते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट आज क्या है, तेज है या मंदा है, तो हम सबसे पहले इंडेक्स ही देखते हैं। हम एक पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं देखने जाते हैं कि स्टॉक कितना तेज मंदा है, हम यही बात करते हैं जनरली कि मार्केट आज क्या है, तेज है या मंदा। तो वो चीज क्या बताती है हमें, वो चीज हमें बताती है इंडेक्स। तो सेम चीज जो है हमारे एग्री मार्केट कमोडिटी मार्केट में भी आगे यही देखने को मिलेगा कि मार्केट तेज या मंदा का जो रेफरेंस रेट है वो हमें इंडेक्स से पता चलता है। तो इंडेक्स में ट्रेड करने के बहुत सारे फायदे हैं, डाइवर्सिफिकेशन का भी जो फायदा है और एज अ हेजिंग टूल्स भी हम काम कर सकते हैं, इसका मार्जिन बेनिफिट भी रहता है। मार्जिन इंडेक्स में पर्टिकुलर इंडिविजुअल कमोडिटी में ट्रेड करने की बजाय इंडेक्स में मार्जिन जो है बहुत कम लगता है। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा इसमें फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा। नहीं अमित जी, जैसे लगता है कि लॉन्ग टर्म में शायद यहाँ भी वो हो जाए, जैसे हम सुबह कई बार पूछते हैं आपस में ट्रेडर जो होते हैं कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, वैसे हो सकता है कि गमारेक्स क्या, सोयाडेक्स क्या, एग्रीडेक्स क्या चल रहा है, या मान लीजिए एक्सचेंज कॉटन पे लाता है तो कॉटन का जो इंडेक्स होगा उसके बारे में, या नहीं इस तरह धीरे धीरे शायद लगता है कि एक इंडेक्स की ही पूछते ज्यादा हो जाएगी वनस्पत किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के, लगता है कि फिर लोग सुबह यही पूछेंगे कि गमारेक्स क्या खुला या एग्रीडेक्स क्या चल रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, यही होने वाला है आगे चले 5 साल बाद अपने यहाँ कमोडिटी मार्केट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ज्यादातर वॉल्यूम जो है इंडेक्स में ही देखने को मिलेगा। जी रामेश्वर जी, आपसे एक सवाल है कि जो सेक्टोरल इंडेक्स है वो एक हेजर के लिए किस तरह उपयोगी होते हैं? जी कमल जी, मैं इस पर बताना चाहूंगा। देखिए हेजर के लिए सेक्टोरियल इंडाइसेस जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग उस तरीके से देखें, पहला चीज तो एक जो हम लोग जो सेक्टोरियल इंडाइसेस के बेनिफिट्स हैं उनकी भी अभी रिसेंटली बात कर रहे थे, तो मैं वापस से वो थोड़े बेनिफिट्स को एलोबरेट करता हूँ कि एक तो पहला बेनिफिट मिल रहा है हमको कि मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे,
क्या सेटल्ड प्रोडक्ट हैं, जो 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 पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली फिजिकल डिलीवरीज में नहीं जाना चाहते हैं, फिजिकल डिलीवरीज के हैसल्स में नहीं जाना चाहते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रन हो रहे हैं तो ऑल्दो जो जो फिजिकल डिलीवरी का पीरियड है वो लास्ट के 5 डेज रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी है वो पहले तारीख से ही अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाती है। जो भी ब्रोकर मेंबर भी हैं वो अपने क्लाइंट्स को नेक्स्ट मंथ में रोल करने के लिए सजेस्ट करने लगते हैं, तो काइंड ऑफ नेक्स्ट मंथ के अंदर में लिक्विडिटी चली जाती है और जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो एक तारीख से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्री एक्सपायरी मार्जिन भी लग जाता है या फिर उसको नियर मंथ पोजिशन लिमिट एप्लीकेबल भी हो जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं रिलेटेड, इन सब से कह सकते हैं कि मुक्ति है। जो जो हमारे इंडाइसेस प्रोडक्ट हैं उनके अंदर में इनका कोई लेना देना नहीं है जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा एक और भी चीज़ जो अभी फिलहाल में ट्रेडिंग में नहीं मिल पा रही है, हमारे रेगुलेटर ने इंडाइसेस और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच की जो पोजिशन है उसके अंदर में दोनों के बीच में म्यूचुअल मार्जिन बेनिफिट देने के लिए अलाउ कर दिया है। अभी हमारी टेक्नोलॉजी टीम उस पर काम कर रही है और जिस दिन वो आ जाएगा तो जैसे अभी अमित जी बोल रहे थे कि किसी ने अगर सोयाबीन के अंदर में कोई पोजीशन लिया और वो काउंटर पोजीशन अगर वो फायरडेक्स के थ्रू लेता है तो जितना वेटेज से दोनों का पोजीशन के बीच में बोल सकते हैं कि आप जो पोजीशन है उसकी नलीफाई होगी, उसके अंदर में मार्जिन बेनिफिट उसको मिल जाएगा। एक तरफ उसने सोयाबीन बाय किया हुआ है और सोयाडेक्स के थ्रू जितना वो सोयाबीन सेल कर रहा है, तो अभी आप देखते हैं कि जो हमारे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर में कैलेंडर स्प्रेड, मतलब अगर आप एक ही कमोडिटी के एक महीने को खरीदते हैं और अगले महीने को बेचते हैं तो उसके बीच में मार्जिन बेनिफिट मिलता है हमको जो कि बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 25% मार्जिन ही वहां पे लगता है। तो वैसा ही मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे सेक्टोरियल इंडाइसेस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में भी मिलेगा और आई थिंक ये नेक्स्ट मंथ तक, मतलब बाय अक्टूबर मंथ तक ये हमको ट्रेडिंग स्क्रीन के अंदर में मिलने लग जाएगा। अभी अब आपके क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करूंगा सर कि हेजर्स इसमें किस तरीके से बेनिफिट ले सकता है। जो जो हेजर, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी लोग, क्योंकि हर एक हेजर इस चीज़ को इंटेंड नहीं कर रहा है कि उसको फिजिकल डिलीवरी लेना ही है, फिजिकल डिलीवरी देना है। जो ऐसे हेजर्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली उनको अपना रेस्पेक्टिव जो अंडरलाइन है उसके अंदर में ही ट्रेड करना है, लेकिन जो सिर्फ अपने प्राइस रिस्क को हेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पूरा की पूरा उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेक्टोरियल इंडाइसेस के थ्रू हो जा रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि कोई एक आदमी नांदेड़ में बैठा हुआ है और उसको सोयाबीन का 100 टन बाय करना है या 50 टन बाय करना है, 50 टन बाय करने के लिए वो 7 अपने सोयाडेक्स बाय कर सकता है, 7 सोयाडेक्स के लॉट, जिससे कि उसका 49 टन सोयाबीन बाय हो जाएगा। साथ में उसके पास में दो बोल सकते हैं कि 2 लॉट जो हैं वहाँ पे 7 मेट्रिक टन उसका जो है वो सोया ऑयल भी बाय हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो अपना 1 लॉट सोया ऑयल को बेच दे, तो इस ढंग से भी वो हेजर उस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में लगभग उसको 40% का मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। जी धन्यवाद रामेश्वर जी। अब मैं अंतिम सवाल है रितेश कुमार साहू जी से कि पूरी चर्चा हुई, क्यों इसकी अहमियत है, क्या बजर इस तरह के इंडेक्स क्यों आने चाहिए और भविष्य जो है शायद इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग का हो, जैसे कि हम स्टॉक बाजार में पूछते हैं वैसे यहाँ भी शायद इसी पर हो बातचीत। तो रितेश जी आपसे अंतिम सवाल है कि एक आप समरी के रूप में ये बताएं कि भारतीय कमोडिटी बाजार में सेक्टोरल इंडेक्स की जरूरत क्यों है और क्यों इसे अपना लेना चाहिए। सर जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि सेक्टोरल इंडेक्स मतलब जो भी उसका जो डेटा आता है वो पूरा रिप्रेजेंट करता है उस सेक्टर के लिए कि वो किस तरह से वो जा रहा है, मतलब वो उसका जो भी ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड है या फिर उसका जो परफॉर्मेंस है एज ए फिजिकल में क्या चल रहा है या फिर क्या आने वाला ट्रेंड है फ्यूचर में, तो वो सारा का सारा जो भी चीज़ है वो इंडेक्स में कैप्चर होता जाएगा और जैसे जैसे हमारे पास डेटा बढ़ता जाएगा तो ये
फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफी अच्छा कह सकते हैं, और जो इन्वेस्टर एजुकेशन जो होता है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम लोग देखते हैं जैसे गोल्ड गोल्ड का ट्रेडिंग काफी पहले से चालू हुआ है, या फिर देखते हैं कि 2003 से हम लोगों के पास जो एमसीएक्स का डेटा है या एनसीडीएक्स का डेटा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अभी भी जो ट्रेंड बनाते हैं, जो ये करते हैं, तो वो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो वैसे ही अगर इंडेक्स का जो ट्रेंड हम लोग को पता चलेगा, या फिर जो इंडेक्स जैसे जैसे ट्रेड होता जाएगा, जैसे जैसे उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, तो ये काफी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसका जो भी हम लोगों ने देखा बेनिफिट्स और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेनिफिट्स है, वो जो कैश सेटल्ड है, या फिर उसमें मार्जिन कम लगता है, या फिर उसमें जो भी स्टैगर्ड डिलीवरी का कोई झंझट नहीं है, उसको पहले से ही हम लोग को रोल ओवर नहीं करना पड़ता, ऐसे सब चीजें हैं वो जो इंडेक्स में अगर हम लोग रिटेल ट्रेडर्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स को या फिर पीएमएस को बताएंगे, तो वो लोग इसमें काफी इंटरेस्ट लेंगे, और जो जो ट्रेड का वॉल्यूम है और वो सब हम लोग काफी अच्छे से इंक्रीज भी कर सकते हैं। थैंक यू रामेश्वर जी, एक प्रश्न आया, कृषि सागर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ है, उनका कहना कि 500 टन सोयाबीन हमें अगर देना हो तो एक्सचेंज के जरिए कैसे इसकी मतलब यानी इसे बेच सकते हैं या कैसे इसमें काम कर सकते हैं? जी सर, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अगर इनको कोई सोयाबीन अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के अंदर और एक्सचेंज के डिलीवरी सेंटर के अंदर में डिलीवरी देना है, तो पहले इनको ये देखना होगा कि इनकी लोकेशन, क्योंकि एनसीडीएस के अंदर में जो भी डिलीवरी होगी वो एक्सचेंज के स्पेसिफाइड डिलीवरी सेंटर्स के अंदर में ही हो पाएगा। जैसे सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इंदौर हमारा डिलीवरी सेंटर हो गया या बेसिस सेंटर है, इसके अलावा एमपी में मंदसौर, राजस्थान में कोटा, महाराष्ट्र में अकोला और लातूर सेंटर है। इनको अपना नज़दीकी सेंटर सोचना होगा कि कौन सा सेंटर इनके लिए कंफर्टेबल है। एक्सचेंज के अंदर में ये सोयाबीन में अपनी एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे जो भाव इनको कंफर्टेबल लगते हैं। उसके साथ में ही इनको ये भी देखना होगा कि बाकी इनके सेंटर से वहाँ सोयाबीन पहुँचाने का खर्चा क्या रहेगा, एक्सचेंज में डिलीवरी लगाने के क्या खर्चे होते हैं, बाकी सारे चीज़ों को असेसमेंट के बाद में अगर उनको ये प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन लगता है तो वो अपने स्ट्रेट के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और भी चीज़ एडअप करना चाहूँगा सर, कि अगर कोई भाव इनको कंफर्टेबल लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड के लिए हमको एक्सचेंज के डिलीवरी वेयर हाउस पे पहुँचाना है या एक्सचेंज के अंदर में ही डिलीवरी देना है। एज ए हेजिंग टूल हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपना प्राइस लॉक कर सकते हैं एनसीडीएक्स के सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और फिर आप अपना जो फिजिकल सोयाबीन है उसको अपनी मंडी में बेच सकते हैं, जो अपने फ्यूचर्स पोजीशन के थ्रू प्रॉफिट आपका प्राइस लॉक किया है वो आपको प्राइस रियलाइज हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास में आज की डेट में पुट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां पर कि आप अपना प्राइस का इंश्योरेंस कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ है, आपको जो सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते हैं। और एनसीडीएक्स के अंदर में हम लोग डेडिकेटेडली एफपीओज को सपोर्ट करने के लिए एक अलग से हमारे पास टीम भी है जो कि आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको अलग से डिटेल चाहिए होगा तो आप मेरे को अप्रोच कर लीजिएगा, एफपीओ टीम से कनेक्ट करवा दूंगा। रामेश्वर जी, आपसे अनुरोध भी है कि आप अपने एक्सचेंज से जो कांटेक्ट कर सके, आपका नंबर आप चैट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें, जिन भी लोगों की इसमें इंक्वायरी हो वो आपसे सीधे संपर्क कर सके। मैं एक समरी के रूप में जो आज सोपा ने जारी किया क्रॉप सर्वे, उसकी एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त में बात बता दूं, फिर हम इसका समापन करेंगे वेबिनार का। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के मुताबिक 124 लाख हेक्टर के लगभग बुआई हुई है इस बार, जबकि सोपा ने इसे 116 लाख हेक्टर माना है। सोपा के मुताबिक 12.83 यानी करीबन 13 लाख हेक्टर के आसपास क्रॉप की कंडीशन पुअर है, जबकि नॉर्मल जिस क्रॉप की कंडीशन है वो 42 लाख हेक्टर से थोड़ी ज्यादा है, और जो बिल्कुल गुड कंडीशन में है
वो करीबन 23 लाख हेक्टर में है और वेरी गुड कंडीशन वाली करीबन 15.5 लाख हेक्टर में क्रॉप है। राजस्थान में उनका कहना है कि मोस्टली कंडीशन पुअर है। मध्य प्रदेश में 16% एरिया जो है जहाँ सोयाबीन की खेती हुई है वो पुअर कंडीशन में है, यानी अच्छी स्थिति नहीं है उस फसल की। महाराष्ट्र में 42 लाख हेक्टर के अंदर क्रॉप गुड और वेरी गुड है, जबकि ऑल इंडिया स्तर पर अगर लें तो उनका कहना है कि 14% जो एरिया है जहाँ सोयाबीन की खेती है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब बारिश हो रही है और कुछ समय बाद हो सकता है कि इसका आकलन नया आएगा, तब हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आकलन आता है। और अब हम इस वेबिनार का समापन करते हुए मैं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री डीएन पाठक जी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एग्री कमोडिटी विश्लेषक श्री रितेश कुमार साहू जी, जीसीएल के श्री अमित खरे जी और कमोडिटी एक्सचेंज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री रामेश्वर राय जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद आभार उनका। साथ ही कल गणपति का महोत्सव है, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश आप सभी पे कृपा बनाए रखें और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो, साल भर उनकी कृपा बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। और शुभ संध्या, नमस्कार, गणपति पर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि लाए, यही मेरी कामना। धन्यवाद।